ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में इस बार विद्यार्थी परिषद ने वन महोत्सव के दौरान 1,00,000 पौधे रोपे हैं। एबीवीपी ने पौधारोपण के साथ उनको बचाने के लिए भी संकल्प लिया है। प्रदेश व्यापी अभियान के दौरान रामपुर कॉलेज की एबीवीपी इकाई और कॉलेज के एनसीसी इकाई ने सिंगला पंचायत क्षेत्र में 3,000 पौधे लगाए। हिमाचल प्रदेश में इस बार विद्यार्थी परिषद ने वन महोत्सव के दौरान 1,00,000 पौधे रोपे हैं। एबीवीपी ने पौधारोपण के साथ उनको बचाने का संकल्प भी लिया है। प्रदेश व्यापी अभियान के दौरान रामपुर कॉलेज की एबीवीपी इकाई और कॉलेज की एनसीसी इकाई ने शिंगला पंचायत में क्षेत्र में लगभग 3,000 पौधे रोपित किए। पौधारोपण अभियान के दौरान छात्र छात्राओं ने क्षेत्र के लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। एबीवीपी और एनसीसी के छात्रों ने बताया कि उनका मकसद पौधारोपण ही नहीं बल्कि उन पौधों की देखभाल समय समय पर करने का प्रयास रहेगा। वे संदेश देना चाहते हैं कि आज मानव जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सकता है। लोगों को इस बारे में भी विस्तृत ज्ञान दिया गया। एनसीसी नेशनल कैडेट को रामपुर के जो कैडेट है गवर्नमेंट कॉलेज जो स्थानीय महाविद्यालय, उन्होंने जो एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मुहिम छेड़ी थी वन महोत्सव 25,00,000 पौधे लगाने का, उसमें आज एनसीसी कैडेट ने भी अपना योगदान यहाँ पर आके दिया है और रामपुर महाविद्यालय के सभी कैडेट ने उसमें भाग लेते हैं। लगभग 300 पौधे यहाँ पर रोपे हैं और उन्होंने प्रण लिया कि भविष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रदेश भर में 1,00,000 वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया था, जिसमें से 5,000 वृक्षारोपण हमारे रामपुर जिला में हुए हैं। हमारा मात्र सिर्फ संकल्प लेना ही उद्देश्य नहीं था कि हम 1,00,000 वृक्षारोपण करेंगे, इसके साथ साथ हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमने जो पूरे प्रदेश भर में 1,00,000 वृक्षारोपण किया है उन्हें जीवित रखेंगे। सीएचपी की तरफ से हम सभी ने, एनसीसी के पूरे कैडेट्स ने वन रोपण का एक मुहिम शुरू की है। हम चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ पे एरिया है वहाँ पे पौधारोपण करें और देश को एक अच्छी तरक्की पहले जाए, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे वन कटाव के कारण यहाँ पे जो पौधे हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन भारतीय समाज के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे यदि पेड़ काट रहे हैं तो उनका यह फर्ज है कि वे इससे अधिक पेड़ लगाएं।